हेलो गाइस, स्वागत है सभी का नए वीडियो में। और ये मैप तो काफी लोगों का चहेता है, बहुत लोग पहचानते होंगे। इसके लिए है सुबह सुबह नया फरमान, ये आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। इसमें क्लियर क्लियर साफ साफ लिखा है कि मतलब जो साइफर का एक ग्लिच आया था, आपको बताता हूँ कि मतलब जैसे वो जब मर जाता था ना, तो उसका ट्रिप अपना मिनी मैप में फिर भी दिखता था। एंड एक्सप्लॉइट ऑन स्प्लिट मैप, मतलब तो आपको पता ही रहना चाहिए अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो। उसपे स्प्लिट मैप पे एक बग था जिसके बारे में मैंने वीडियो डाला है और मैं यहाँ पे पिन भी करने वाला हूँ। तो वो वाला चीज इनको रिपेयर करने के लिए ये फुल मैप से हटाना पड़ेगा स्प्लिट। और ये जो स्प्लिट है आपका अप्रोक्स नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे मोस्टली हटने वाला है। और जो प्रीमियर मैचेस होती है नॉर्मली, नेक्स्ट वीक में सारी मैचेस स्प्लिट में थी, तो अभी स्प्लिट की जगह उसे शिफ्ट करने वाले एसेंट पे। तो जितनी भी प्ले ऑफ मैचेस थी सारी अब होने वाली है एसेंट पे, ना कि होगी स्प्लिट पे। तो भाई ये चीज तो क्लियर है कि स्प्लिट प्लेबल नहीं है, चाहे वो अनरेडेड हो, स्पाइक रश हो, स्विफ्ट प्ले हो, कॉम्बी हो, स्प्लिट अब अवेलेबल नहीं रहेगा। पॉसिबल है कि इसकी जगह कोई न्यू मैप आ जाए या कोई पुराना मैप रोटेशन में आ जाए, जैसे पर्ल हो गया, हेवन हो गया। हेवन का तो कहर बड़ा बड़ा मैप है, तो कुछ भी नहीं बोल सकते। पॉसिबली फ्रैक्चर भी आ सकता है, या जो नया मैप है उसका भी हो सकता है। वैलोरेंट ने फिलहाल तो कुछ भी रिवील नहीं किया है, जो भी होने वाला है नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे होने वाला है। तब तक के लिए गाइस जुड़े रहिए पिकाबू प्लेस के साथ फॉर मोर अमेजिंग एंड नॉलेजेबल स्टफ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।